आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। जबेरा जनपद के अंतिम छोर पर जंगल में बसे आदिवासी बहुलताला गांव में गरीबों को ठंड से बचाने के लिए समाज सेविका ने बांटे कंबल। कंबल पाकर वनवासियों के चेहरों पर आई मुस्कान। वनवासी बोले, कोई तो है जिसने हम वनवासियों का दर्द समझा और मददगार बनी। आखिरकार ठंड से ठिठुर रहे गरीबों को दूरस्थ वनांचल में बसे आदिवासियों के बीच पहुंचकर समाज सेविका रजनी ठाकुर ने ऊपर पहाड़ जंगलों ग्राम पंचायत कलुगर के गाँव दौनी आलोनी ताला में गरीब महिलाओं के बीच बैठकर जहां उन्हें आत्मीयता के साथ गले लगाकर ठंड से बचाव के लिए घर घर कंबल वितरित किए। कंबल मिलते ही गरीबों के चेहरे खिल उठे। एमपीसीजी एक्सप्रेस के लिए खबर भेजी थी मनोहर शर्मा ने। मैं समाज सेविका श्रीमती रजनी ठाकुर, मैं माला बमोरी से निवासरत करती हूँ। और जैसा कि मैंने देखा था कि अभी ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है और ये जो ऊपर पहाड़ में आप देख रहे हैं कि कलूमर है, चौरई है, भैंसा ग्राम है और भी ऐसे यहाँ पर दो ग्राम पंचायतें हैं जहाँ पर कम से कम 13 गांव आते हैं और यहाँ पर पूरा आदिवासी और भी लोग यहाँ पर पूरा बाहुल्य है। और ये बेचारे ऐसे लोग हैं कि मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं से थोड़े से वंचित भी हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्यों ना यहाँ पर आकर इनकी सेवा की जाए, तो मैंने आज यहाँ पर आकर इनको कंबल वितरण किए हैं। और मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन लोग को बीमारी भी है। जैसे अभी मैं बैठी थी वहाँ पर भैंसा ग्राम में, तो वहाँ पर उनको दादा को सांस की तकलीफ थी, तो यहाँ पर डॉक्टर की असुविधा भी है क्योंकि इन लोग को पूरा नीचे जाना पड़ता है जो कि कम से कम 4 से 5 किलोमीटर नीचे है। तो यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तो किसी डॉक्टर को लेकर आऊँगी जिससे कि इन लोग की जाँचें हो सकें। ये मेरा समाज सेवा करने का कार्य है और मैं इन लोग की सहायता कर सकूँ, ये इस चीज़ के लिए मेरा जीवन सार्थक होगा और मुझे बहुत खुशी होगी।